गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, हम सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नेम है डाइवर्सिटी, उस लेसन के अंदर जो है अब तक का हमारा जो टॉपिक है वो था, जो हम लास्ट टॉपिक जो किया था उसके अंदर था ज्योग्राफिकल फीचर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन्स, के जो इंडिया के अंदर जो फिजिकल जो अपना एरिया है वो किस प्रकार जो है अपने डाइवर्सिटी के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करता है। आज जो है हम करेंगे हमारा टॉपिक फैक्टर दैट प्रमोट यूनिटी इन इंडिया, भी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की यूनिटी को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है कहता है कि ज्योग्राफिकल यूनिटी, इंडिया इंस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल क्लाइमेट एंड रीजनल डिफरेंसेज इज लार्जली ए सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट। तो ये कहता है कि जो ज्योग्राफिकल यूनिट है उसके अंदर जो हमारे फिजिकल क्लाइमेट एंड जो रीजनल जो डिफरेंसेज है वो एक ही ज्योग्राफिकल यूनिट के अंदर जो है वो मिलती है, तो ये काफ़ी यूनिक है हमारे लिए। इंडिया हैज ए कंटिन्यूज हिस्ट्री, आवर हिस्ट्री इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ स्मॉल किंगडम्स बट द हिस्ट्री ऑफ द होल कंट्री। तो ये कहता है कि जो इंडिया के अंदर जो अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो यहाँ पर कोई छोटा कोई जो हिस्ट्री है वो कुछ किसी छोटे किंगडम के अंदर नहीं आता, ये काफ़ी पूरे एक इंडिया के जो पूरी पूरी जो कंट्री है उसकी हिस्ट्री है ये। इट हैज़ पॉलिटिकल यूनिटी, कि हमारे पास जो पॉलिटिकल यूनिटी भी है। मैनी ऑफ आवर रूलर्स लाइक अशोका, सुंदर गुप्ता, अलाउद्दीन खिलजी एंड द मुगल्स मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड द सम पार्ट ऑफ डेक्कन, द ब्रिटिश रूल्ड आवर वूल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी के अंदर कहता है कि यहाँ पर काफ़ी रूलर्स रहे हैं, फॉर एग्जांपल अशोका है, सुमंदर गुप्ता है, अलाउद्दीन खिलजी है, एंड मुगल्स जो है ना अपने नॉर्थन पार्ट का जो इंडिया है उसको कंट्रोल किया, कुछ जो है सम पार्ट ऑफ डेक्कन जो प्लेटू है उसको भी इन्होंने अपने अंडर रखा है, बट ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने पूरे इंडिया को ही जो है ना अपने अंडर रखा है। उसके बाद ये कहता है फ्यूचर सिग्निफिकेंसी द यूनिटी ऑफ इंडिया, कि जो हमारे कौन कौन से जो फीचर्स है जो हमें जो है सिग्निफेंस करते एक अलग से जो हमें दिखाता है कि जो है हम एक ही यूनिटी के अंदर रहते हैं। आवर नेशनल एंथम इज सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, जो अपना जो नेशनल एंथम है वो हमारा जो सिंबल है किसका, नेशनल यूनिटी का। इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इट इज़ ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सप्लेनेशंस जो हमें देता है अपनी यूनिटी ऑफ इंडिया की। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रोटन बाय बिंकम चंद्रा चटर्जी, तो ये भी जो है काफ़ी जो अपनी जो यूनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आवर नेशनल फ्लैग ऑफ ट्री कलर्स हैज़ थ्री कलर्स, तो यहाँ पर कहता है कि जो अपना जो तिरंगा है उसके अंदर जो तीन कलर हैं, द सफ्रन ऑफ द टॉप डिनोट्स सेक्रीफाइस, वाइट इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस, एंड ग्रीन एट द बॉटम ऑफ प्रोस्पेक्ट्री, द चक्रा अडोप्ट फ्रॉम लाइन कैपिटल एट सारनाथ स्टैंड फॉर धर्मा एथलिक वर्च्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कहता है कि जो तीन कलर है हमारे जो सबसे टॉप में जो कलर है वो हमारे जो सेक्रीफाइस के बारे में बताता है, और जो वाइट कलर जो है हमारे सेंटर के अंदर आता है वो ट्रुथ और पीस पे सच्चाई और शांति के बारे में बताता है, और जो ग्रीन जो सबसे नीचे जो आता है कलर वो हमारे प्रोस्पेक्ट्री यानी कि जो हमारे हरियाली के बारे में जो है ना वो बताता है, और बीच के अंदर जो चक्कर है वो हमारे जो धर्मा जो स्टैंड है धर्म के ऊपर जो हम स्टैंड करते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर हमें बताता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इट कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1915, इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इज गवर्नड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए जो है वो इक्वल है, और यह जो ना 26 जनवरी 1950 को जब वो इसको लागू किया गया था
और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट से है जिसके अकॉर्डिंग जो अपनी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो ना वो उसको फॉलो करती है। आवर फ्रीडम स्ट्रगल प्रमोटेड द सेफ्टी ऑफ कॉमन ब्रदरहुड हिंदूज मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस एंड पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज वर यूनिटी इन देयर डिसलाइक ऑफ द ब्रिटिश राज। स्टूडेंट्स जो अपनी फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ था उस स्ट्रगल के अंदर जो है ना हम जितने भी जो धर्म के जो हैं वो सभी ने मिल जुल कर जो है उसको उसके अंगेंस्ट लड़े था, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे क्रिश्चियंस हो, सभी कम्युनिटी जो ना वो एक यूनिटी के अंदर थी और जो ब्रिटिश राज था उसको डिसलाइक करती थी। डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट। उत्तर प्रदेश इज द शुगर बलो ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज वेल नाउ फॉर द कॉटन एंड वेस्ट बंगाल फॉर इट्स जूट एंड राइस, झारखंड इज रिच इन मिनरल्स, पीपल ऑफ ऑल रीजन्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो डिफरेंट अपने जो एरिया है वो अपने इंटरडिपेंडेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ना शुगर बहुत होती है, इंडिया के अंदर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो है कॉटन बहुत होता है, वेस्ट बंगाल के अंदर जूट एंड राइस दोनों का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई होता है, और झारखंड है वो रिच के अंदर जो वो रिच है मिनरल्स के अंदर। तो ये इस तरह से जो पीपल है वो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट है। देर इज एन अंडरलाइंग कल्चरल यूनिटी विच बाइंड्स पीपल ऑफ इंडिया, आवर रिलीजियस बुक और सेक्रेट रिवर्स और टेम्पल्स मस्जिद चर्चेज एंड गुरुद्वारा आर रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ग्रेटली बाय एस आल। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि अपना जो कल्चर है वो एक दूसरे के ऊपर जो है हम डिपेंडेंट है और अपनी यही जो है यूनिटी दिखाता है, हम जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं चाहे हम किसी भी धर्म का, अगर हम कोई हिंदू है तो वो रिस्पेक्ट करता है मस्जिद का, रिस्पेक्ट करता है वो गुरुद्वारा का, रिस्पेक्ट करता है वो चर्च का, और जो टेम्पल है उसका तो वो उसको अंडरस्टूड है कि वो उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हर धर्म के लोग अदर जो जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही चीज़ें जो है ना भारत को जो है ना एक यूनिटी के अंदर जो है वो बांधता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो ना ये इंडिया के अंदर जो इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो है इंडिया जो एक यूनिटी के अंदर जो वो बंधा हुआ है, और यही हमारी जो है वो एक एक्चुअली में जो है पावर है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सिविक्स का जो फर्स्ट लेसन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट चैप्टर की जो है हम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।